time to see something positive here. तो मैं हेलन के साथ हूँ, एटीएम ढूंढ रहे हैं हम लोग. तो यहाँ से अभी लगेगा 2 घंटा नॉय पहुँचने के लिए. और ये शिनचाओ हाय. ये मस्त है, पहले साइकिल देख लो. और साइकिल के पैसे पीछे ये जो सीट बनाया हुआ है बच्चे को बैठने के लिए. बाय बाय, सी यू. नाइस, इट वाज नाइस स्टेइंग विद यू. आई विल कम बैक अगेन व्हेनेवर और मेबी. नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज़ आशीष एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन हॉपर वंस अगेन. और आज है 27 अप्रैल और मैं हूँ निनबिन टैमकॉक विलेज में. और आज का मौसम काफ़ी ओवरकास्ट है. तो कल मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं. कल जब मैं वापस आया बोट राइड से तो बहुत गर्मी थी, तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया. उसके बाद फिर काम किया, लंच किया, फिर शाम को मैंने बस व्लॉग नहीं की, बस शाम को मैं थोड़ा सा साइकिल लेके आसपास घूम रहा था. घूम फिर के आया, फिर मैंने रेस्ट लिया. तो आज इस जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया है. मैं अब थोड़ी देर में नाश्ता करने वाला हूँ और आज मैं बता दूंगा कि मैं कितना पे कर रहा था यहाँ पे रहने के लिए. काफ़ी अमेजिंग जगह है, आप देख ही सकते हो मेरे पीछे. और ये उनका पूल एरिया था, बहुत मज़े किए मैंने पूल में 2 दिन. ये यहाँ पे डाइनिंग एरिया कह लो, आप रिलैक्स कर सकते हो. यहाँ पे पूल टेबल है, पूल खेल सकते हो. यहाँ पे जिम कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा मशीन डाला हुआ है जिम का. और इस तरफ खूबसूरत सा एक रिवर है जो बतख वगैरह तैर रहे हैं. तो काफ़ी अच्छा सा इन्वायरमेंट है यहाँ का. तो मेरा नाश्ता आ गया है, ये है पाइनएप्पल पैनकेक और इसके साथ मैंने मंगाया है ब्लैक कॉफ़ी. कल मैंने बनाना खाया था, आज पाइनएप्पल है. अच्छा दिख रहा है, काफ़ी सही है यार. बहुत दिन के बाद मैंने रोटी टाइप का कुछ खा रहा हूँ, तो मतलब कल भी खाया था आज भी खा रहा हूँ, अच्छा लगेगा. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड. टुडे इज द लास्ट डे एंड आई विल बी लीविंग. आई एम वेरी सैड टू लीव योर होम स्टे एंड गो टू हनोई. आई विल कम बैक अगेन. योर होम स्टे इज ब्यूटीफुल. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सो मच लव एंड द हॉस्पिटैलिटी यू हैव शोन. इट्स रियली नाइस. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट. तो मैं अब फटाफट खा लेता हूँ. तो इसको देखो, उदास बैठा हुआ है. तेरे को क्यों बांध दिया यार? बदमाशी करता है, बाहर निकलता है इसलिए बेचारा. कल मैंने इसको ओरियो बिस्किट दिया था, कल खाया नहीं, फिर बाद में खा लिया. गुड बॉय. तो मैं दिखा देता हूँ अब रूम. तो ये मेरा रूम है, थोड़ा लाइट चला देते हैं. तो ये है 8 बेड का डोम और ये मेरा था, मतलब मैं यहाँ पे सो रहा था. तो इसका मैंने पे किया है 380 रुपये पर नाइट के हिसाब से. तो 2 नाइट का मुझे लगभग 800 रुपये के आसपास, मतलब 780 या 790 रुपये मैंने पे किया है. और बेस्ट पार्ट है कि बहुत ही कंफर्टेबल बेड है ये और एसी है और ब्रेकफास्ट मिलता है यार, मतलब सही है एकदम. और ब्रेकफास्ट के साथ स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल का फुल एक्सेस है. आप पूल वगैरह स्नोगर सब कुछ खेल सकते हो, बस 370 रुपये जो मैंने पे किया था उसी के अंदर. तो सही है, अभी मैं फटाफट इस सबको समेटता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ. ये ट्रैवलिंग का सबसे खतरनाक है कि सारा सामान निकालो फिर डालो, फिर निकालो फिर डालो. तो ये कर करके मैं थक गया और आदत भी हो गई है. तो मैं अभी फटाफट समेट लेता हूँ सब, फिर चलते हैं हनोई. शिनचाओ हाय. ये मस्त है, पहले साइकिल देख लो. और साइकिल के पैसे पीछे ये जो सीट बनाया हुआ है बच्चे को बैठने के लिए, वो भी सीट बेल्ट के साथ. यहाँ पे जुगाड़ू सीट बेल्ट है. तो ये कुछ अलग है. सो डिड यू बाय दिस सेपरेटली? ओके, 2 पर्सन. ओके, 2 kids कैन सिट राइट. देखो 2 बच्चे आराम से यहाँ बैठ सकते हैं पैर निकाल के. ये थोड़ा सा खतरनाक सिस्टम लगा मेरे को यहाँ पे. चिंचाओ. ओके बाय. तो मैंने चेकआउट कर दिया है
अब आधे घंटे में मेरा गाड़ी आ जाएगा यहाँ पे मुझे पिक करने के लिए गेट से ही, फिर यहाँ से जाएंगे हनोई। तो 2 घंटे का सफ़र रहने वाला है और मैं पे कर रहा हूँ लगभग हनोई के लिए कितना, 2,20,000, तो हो गए वही 700 रुपये के आसपास मैं पे कर रहा हूँ। तो ठीक है, 2 घंटे के लिए 700 रुपये ठीक है, और लिमोजिन है और पूरा एसी रहेगा, आराम से बैठ के जाएंगे। तो मैंने सारा अपना सामान निकाल लिया है, यहाँ पे मेरा लैपटॉप बैग है, उसका रक्सैक है, और आज मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह भी किया, इसका इस्तेमाल किया मैंने आज, अच्छा लगा खूब। अभी तक का बेस्ट स्टे लगा है मेरे को पूरे वियतनाम में, ये वन ऑफ द बेस्ट मैं काउंट करूँगा जहाँ भी रहा हूँ मैं वियतनाम में, इवन इन होयान उससे भी अच्छा है ये। सो इन 10 मिनट्स इट विल कम राइट। Nice. So this is the one I'm going. I'll be going. Bye, Lucky. मिलते हैं वापस से. सही था तू. Bye, Lucky. Bye. तो ये है limousine. Bye, bye. See you. Nice. It was nice staying with you. I will come back. तुम क्या नलिंग बिंगा? Old quarter. Just tell him to drop me in old quarter. Okay. Yes. Okay. Thank you. See you. Bye, guys. Bye. Bye. All right. Bye. So yeah. तो ये है कुछ इस तरह का यहाँ का माहौल। सिंचाओ। तो शायद मुझे निनबिन से दूसरे लिमोजिन में ट्रांसफर किया जाएगा और वहाँ से जाएंगे हनोई। तो मैं पहुंच गया हूँ अभी इस वाले से उतर के, अब इस वाले में जा रहा हूँ। तो ये वाला लेकर मैं है। हाय, हाउ आर यू? तो अभी मैं पहुंच गया हूँ निनबिन। तो यहाँ से अभी लगेगा 2 घंटा नॉय पहुंचने के लिए। और ये एक तरह का टेम्पो ट्रैवलर है जो हमारे इंडिया में फोर्स का आता है, बट फैंसी है। तो इस तरह का कुछ चमक धमक है इसमें और सीट वगैरह बहुत ही लग्जरी है। तो यहाँ पे लिमोजिन बोलते हैं इसको, और ये बाहर से पूरा का पूरा ब्लैक है। तो ये मुझे जब भी मैं ये वाली गाड़ी को देखता हूँ ना, तो मुझे स्क्विड गेम का वो पिकअप गाड़ी का याद आता है जब लोगों को उठा के लेके जाते हैं वो आइलैंड पे। तो इस तरह का कुछ है, बट अच्छा है। तो अब बारी है हनोई की, तो लेट्स गो हनोई। थैंक यू सो मच। तो बस पहुंचे ही हैं। सो दे गोना ड्रॉप अस टू द टाउन और वी हैव टू मैनेज आवरसेल्फ? दे ड्रॉप अस एट द होटल आई गेस। ओह वाओ। तो अभी जस्ट पहुँचे हैं, तो इस लिमोजिन में हमें लाया गया हनोई। अभी हनोई पहुँचे हैं, अभी इसमें हमें टाउन छोड़ा जाएगा। तो देख लो भाई बाहर से कैसा दिखता है। Yeah, I stayed in Tamkok, so it was good. Yeah, nice. Went to the river, like boat ride. I think we all have opened the trunk or not? I don't know. So I took the route 3, which had the longest tunnel, 1 kilometer, which was great experience. So it was very, very nice. I didn't expect that. Same here. तो मुझे पता नहीं कहीं यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है। मैंने बोला कि मेरा हॉस्टल जो है ओल्ड क्वार्टर में, वहाँ जाना है। तो उन लोग ने बोला वहाँ उस तरफ नहीं जा रहे हैं। तो अभी मैंने ग्रैब बुलाया है, ग्रैब मोटर बाइक, तो उसमें मैं जाऊँगा। तो 30,000 डोंग लगेंगे जो है तकरीबन 75 रुपये। तो अभी 75 रुपये खर्च करके मेरे को अपने हॉस्टल पहुँचना है। यहाँ से 2 किलोमीटर है और इस गर्मी में 2 किलोमीटर ये लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा ग्रैब आ गया है। सिंचाओ हेलो। तो ये कुछ यामाहा का साइरस स्कूटर है, मतलब मोटरसाइकिल है। तो इसमें जाना है। बड़े शहर में ग्रैब मोटर बाइक मिल जाता है आराम से, तो दिक्कत नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था निनबिन में। निनबिन में स्कूटर भी नहीं था, तो वहाँ पे मुझे कैब लेना पड़ा। तो यहाँ पे आराम से मैं स्कूटर में जाऊँगा। ऑल सेट? ओके। तो
वेलकम टू द कैपिटल ऑफ वियतनाम हनोई. तो पहुंच गया मैं. थैंक यू. कमॉन. थैंक यू. कमॉन. हाय. थैंक यू. The locker is? Locker. Okay. The same key. Okay. Alright. Yeah. तो ये मेरा हॉस्टल रूम है. काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है. और यहाँ पे इन्होंने मुझे लॉकर भी दिया है जो सेंसर के साथ खुलता है. ये रहा ऐसे. और अच्छी बात यह है कि इनके पास स्विमिंग पूल भी है सेकेंड फ्लोर में. और मैं इस बेड का पर नाइट पे कर रहा हूँ 500 रुपये. तो ये सबसे महंगा अभी तक का मेरा हॉस्टल स्टे है. अब कैपिटल में है वियतनाम में, तो थोड़ा महंगा होगा ही. सस्ता वाला था पर रिव्यूज़ अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चांस लेकर फ़ायदा नहीं है, तो अच्छे जगह पे ही रहते हैं. तो ये है, तो यहाँ पे मैं रहने वाला हूँ 2-3 दिन. तो अभी बस मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं आज. तो बज रहे हैं अभी 5:30. मैं थोड़ी देर पहले ही अपने हॉस्टल रूम में आया हूँ. तो एक्चुअली मैं बाहर निकल गया था थोड़े बहुत जांच पड़ताल करने के लिए, है लॉन्ग बे डे ट्रिप के लिए. कुछ कंपनीज मैं ढूंढ रहा था जो डे ट्रिप करवाए, तो एक अच्छा सा कंपनी मिला मुझे. तो मैं गया वहाँ पे, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे, एटीएम था नहीं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सीन हुआ है जहाँ पे मुझे जिस कंपनी से मैंने बुक किया अपना टूर, वो मुझे पूरा सिटी लेके गई एटीएम ढूंढने के लिए. सो हेलो, she is my tour guide. Not tour guide, she is she has a travel agency in Hanoi, and she is helping me to find ATM. And thank you so much. So, I remember uh-huh. My name is Helen, you can call me Helen. Hey Helen, how are you? Every day I'm alive, enjoying my life. I like people who enjoy their life, you know. Yeah. So I try to enjoy and to see something positive here. So मैं हेलेन के साथ हूँ, ATM ढूंढ रहे हम लोग. Driving here not so easy, right? No, not easy. Yeah. So Asif, yeah. Can I call you Asif? Yeah, Ashish. Yeah. Okay. So normally you will spend like a 1 or 2 months for travel or every year. I just after COVID I just came. I went to Sri Lanka in January, then came to Vietnam. And I think now the young people, Vietnamese young people, yeah, they all always to spend the time, yeah, for traveling, yeah, yeah, before getting married. Yeah, true. You too. Thank you for helping. मैं अपना मेन कैमरा लेके नहीं आया क्योंकि मेरे को 2 दिन यहाँ पे ट्रैवल एजेंसी चेक करनी थी टू फाइंड आउट हेलोंग बे का डे ट्रिप कितना होता है. तो मुझे इनका कंपनी मिला जो मैं दिखा दूंगा. तो मेरे पास पैसे नहीं थे, एटीएम हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं साथ में. तो बहुत हेल्पफुल है और बहुत अच्छी है. तो मैंने बुक कर लिया है. कैसे बुक किया है, कितने में बुक किया है और कहाँ पे बुक किया है वो मैं कल बताऊंगा ट्रिप ख़त्म होने के बाद या तो पहले, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस कैसा रहेगा. और अभी बस मैं फटाफट नहाऊंगा, नहा के फिर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आज शाम को क्या कर सकते हैं. क्योंकि बाहर मैं गया था, अमेजिंग एटमॉस्फेयर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ओल्ड टाउन हनोई का. तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं.